नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 में कंपनी रावेल के फाउंडर ने शो में अपने बिजनेस को बड़ा बनाने को लेकर दस्तक दी। वहीं एंटरप्रेन्योर के बिजनेस को लेकर शार्क थोड़े असमंजस में नजर आए। साथ ही पीछर से उनके बिजनेस और प्रॉफिट के बारे में भी जाना चाहा तो एंटरप्रेन्योर ने कहा कि वो अब तक 5 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं और लास्ट मंथ 44 लाख का बिजनेस किया था उन्होंने। इसके बाद पीछर्स के प्रॉफिट रेट के बारे में जानकारी ली गई, जिसमें पीयूष ने पूछा कि अपने बिजनेस की मार्केटिंग वो कैसे करते हैं, तो पीचर ने कहा अपने ब्रांड की मार्केटिंग वो खुद करते हैं। साथ ही पीचर ने शार्क को अपने सेल का ग्राफ भी बताया। इसका साथ ही शार्क अमन ने अपने दर्शकों को नेट रेवेन्यू के बारे में जानकारी दी और समझाया नेट रेवेन्यू क्या होता है। वहीं शो में आए पीचर ने अपने प्रोजेक्ट का डेमो भी दिखाया और प्रोजेक्ट भी दिखाया। बाद में अनुपम मित्तल ने कहा कि जिस तरह से आप ऑनलाइन अपने प्रोजेक्ट को सेल करते हैं, क्या लगता है इसकी मार्केट बहुत बड़ी हो सकती है, तो पीचर ने इस पर शार्क से गाइडेंस की बात कही। इसके बाद शार्क अमन ने पीचर को अपने एग्जाम्पल को देते हुए बताया कि कैसे अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ा सकते हैं, पर फिर अमन डील से आउट हो गए। वहीं नमिता ने भी डील में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए डील से खुद को बाहर कर लिया। इसके बाद अनुपम मित्तल ने 75 लाख रुपए 10% इक्विटी डील दी पीचर को, जिस पर पीचर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और डील को डन कर लिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस के भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।